बेवफाई जो है किसी ग्रुप की, दैट इज एक्चुअली था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको लीविंग ग्रुप के बारे में पता होना। हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। तो गाइस, इस वीडियो का पोस्टर देख के आप समझ ही गए होंगे कि एक वो टॉपिक जिसका आपको इंतजार था, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह नजर आता है। चाहे आप GOC पढ़ रहे हैं, चाहे आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो, चाहे आप अल्काइल एराइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, चाहे आप कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे हैं, चाहे एसिड पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीविंग ग्रुप तो आएगा ही आएगा। अब गाइस, लीविंग ग्रुप को क्या रट लिया जाए, क्या याद कर लिया जाए, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, क्या लॉजिक्स काम करते हैं, या किन रिएक्शंस में अच्छे लीविंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, कहां पे बुरे की रिक्वायरमेंट होती है, सुपर लीविंग ग्रुप क्या होते हैं, इसके अलावा गाइस क्या हाइपर लीविंग ग्रुप क्या होते हैं, कई ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क लाती है, कोई ग्रुप कब बढ़िया हो जाता है, कोई ग्रुप कब बेकार हो जाता है, ये किस तरह से डिसाइड होता है, आखिर इसके पीछे का लॉजिक और साइंस क्या है। तो गाइस, आज हम इसको डिसाइड करने जा रहे हैं और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो गाइस, बूम बूम एनर्जी के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, ताकि जो भी बात निकल गया है आप उसको पैरेलली नोट करते हुए जाएंगे गाइस, अदरवाइज इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। नाउ क्लोज योर आईज फॉर 3 or 4 seconds एंड टोटली कनेक्ट विद अस। आई थिंक आप हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, आपकी और मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल गाइस सिंक्रोनाइज हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। गाइस, सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज लिविंग ग्रुप्स। इसको मैं अभी से रिप्रेजेंट करूंगा LG के साथ, दिस इज लिविंग ग्रुप। ठीक है गाइस, समझना। अब गाइस, जो ये लिविंग ग्रुप होता है, बेसिकली होता क्या है, तो गाइस देखिए, जब कभी भी आपके पास हेट्रोलिसिस हो रहा होगा, जब कभी भी हेट्रोलिसिस हो रहा हो, ठीक है, इस टाइम जो ग्रुप, ध्यान से देखना, जो ग्रुप डिपार्ट्स कर जाता हो, छोड़ के चला जाता हो, डिपार्ट्स विथ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो गाइस जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ डिपार्ट कर रहा है ना हेटोलिसिस के टाइम, मतलब हेटोलिटिक क्लीवेज के टाइम, दैट ग्रुप इज नोन एज लिविंग ग्रुप। गाइस अब समझना, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रुप कभी भी डिपार्ट करके चला जाए तुम उसको लिविंग ग्रुप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन है। तो IUPAC गोल्ड बुक ने एक छोटी सी कंडीशन रखी है कि जो ग्रुप डिपार्ट कर रहा है ना उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए। कैसी एबिलिटी होनी चाहिए? टू स्टेबलाइज that additional charge, ठीक है, to stabilize that additional charge, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि हेटोलिसिस के टाइम अगर कोई ग्रुप डिपार्ट कर रहा है, सिस्टम को छोड़ के जा रहा है, तो अगर अगर इफ उसके ऊपर किसी तरह का चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर के वजह से, तो अगर उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो एडिशनल चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है कुछ हद तक, तो वो लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में चला आता है। अब ऐसा नहीं है कि गाइस कि हर बार कोई चार्ज ही आएगा, कई बार आप देखते हैं रिएक्शन के अंदर N2 एज ए लिविंग ग्रुप काम करता है, तो यहां पर एंट्रोपी फैक्टर्स काम करते हैं। कई बार गाइस आप देखते होंगे कि डिपार्ट कर जाता है अल्कोहल, तो यहां पर स्टेबिलिटी काम करती है, और भी कई चीजें काम करती है गाइस, जिससे हम जनरलाइज कर पाएंगे लिविंग ग्रुप को। लेकिन रुको, अगर मान लो एक ब्रॉड सेंस में मैं इसको क्लासिफाई करता हूं, तो ये हो सकता है एनायोनिक हो सकता है एनायोनिक हो। एनायोनिक का मतलब हो गया चार्ज वाले, जैसे कि मान लीजिए I- आपके पास हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए OH- हो जाते हैं, जैसे कि आपके पास Cl- हो जाते हैं, जैसे आपके पास BrO- हो जाते हैं, जैसे आपके पास OTS- हो जाते हैं, तो ये सब गाइस हो सकता है कि हमारा लिविंग ग्रुप इस तरीके का एनायोनिक हो। सुपर डिटेल होगा भाई साहब, अभी मैं ज्यादा अंदर नहीं घुस रहा, थोड़ा इंतजार करो। या हो सकता है गाइस हमारे पास ये न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल हो, जैसे कई बार अमोनिया बाहर जाता है, कई बार अमीन्स भी निकलता है, कई बार H2O निकलता है, कई बार अल्कोहल निकलता है, कई बार थायोइथर्स निकलते हैं, तो ये सब जो गाइस हो सकते हैं ये आपके न्यूट्रल लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। मेनी अ टाइम्स गाइस क्या देखा जाता है कि हमारा कोई ई पॉजिटिव भी डिपार्ट कर जाता है, ई पॉजिटिव, तो गाइस अगर इलेक्ट्रोफाइल इस तरह का डिपार्ट करता है तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज। तो गाइस हालांकि ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है, इलेक्ट्रोफ्यूज किसी दूसरे दिन हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है मेनली लिविंग ग्रुप के ऊपर। आई होप यहां तक क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा। अब गाइस मैं आपको और जरा इसको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि गाइस मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा मॉलिक्यूल है, दिस इज
ठीक है। अब गाइस अगर मान लो मैं इसको KOH के साथ ट्रीट करता हूं, है ना, अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर हम मान लो KOH एक्वस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आपको एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। इस प्रोसेस के अंदर गाइस क्या हुआ, Br- आपका डिपार्ट किया है एडिशनल चार्ज के साथ। तो यहां पे जो गाइस ये Br- है, दिस इज एक्चुअली लिविंग ग्रुप। इसके बाद फर्दर इसके साथ हो सकता है SN1 हो जाए, हो सकता है E1 हो जाए, ये सारी रिएक्शंस आपको फर्दर होंगी। तो गाइस यहां पर एक लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट आया। अभी रुको, अब गाइस मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा केस है, ऐसा यहां डबल बॉन्ड है और यहां पे मान लो क्लोरीन लगा हुआ है, और गाइस हमने क्या किया, इसको सोडामाइड के साथ गर्म कर दिया है। सोडामाइड क्या करेगा, इस एडिशनल एच को हटाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा और सीएल यहां से हटेगा। तो गाइस हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन आया और इस प्रोसेस में सीएल माइनस निकल रहा है। दैट सीएल माइनस इज गाइस लीविंग ग्रुप, लीव कर रहा। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, टॉपिक का भी इंतजार करो। अब गाइस मान के चलो कि हमारे पास इस तरीके से बेंजीन रहा होता और यहां पर N2 पॉजिटिव है। अब गाइस इस वाले रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, यहां जो आपने देखा E2 देखा, तो E1 SN1 E2 इसके अंदर आप लीविंग ग्रुप देख चुके। अब मान लो गाइस डाइजोनियम है, हम इसको क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ बॉईल कर दे रहे। तो गाइस आपको पता है बेंजीन डाइजोनियम वाटर के साथ बॉईल होकर फिनॉल बनाता है, और इस प्रोसेस में गाइस क्या निकलता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो यहां पे जो नाइट्रोजन है गाइस, ये कैसा वर्क कर रहा है, लिविंग ग्रुप के जैसा वर्क कर रहा है। या गाइस और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए गाइस अब कुछ पुअर का लेते हैं, यहां पे फ्लोरो है और गाइस मान लो यहां पे नाइट्रो है, यहां पे नाइट्रो है, यहां पे नाइट्रो है, और गाइस अगर हम इसको NaOH एक्वस के साथ ऐसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी ट्रीट कर देंगे यहां पे, तो गाइस आपको पता है क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा गाइस, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो ये वाला जो रिएक्शन देख रहे थे, ये पहला वाला रिएक्शन है, किसका एग्जांपल था, ArSn1 का एग्जांपल था, और ये किसका एग्जांपल है गाइस, ये ArSn2 का एग्जांपल है। और यहां क्या निकल रहा है गाइस, यहां से F- डिपार्ट हो रहा है, तो F- इज आवर लिविंग ग्रुप। तो गाइस आप देख रहे हो अलग अलग एग्जांपल्स। अच्छा गाइस ये भी पॉसिबल है क्या, कि अगर मान लो हमारे पास ऐसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम, मान लीजिए इस जगह पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है और यहां हमारे पास OH है, जिसको आप एसिटाल्डोल बोलते हो, एल्डोल में यही बनता है ना। अब गाइस अगर आप इसको NaOH के साथ अल्कलाई मीडिया में हीट करते थे तो आपको प्रोटोनल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता था, बिल्कुल ये फॉर्मेशन होता था। इस प्रोसेस में गाइस OH- हट रहा है, तो OH- लिविंग ग्रुप है। तो गाइस कुछ बढ़िया लिविंग ग्रुप भी देखे, जैसे कि Br था, N2 था, कुछ नॉर्मल लिविंग ग्रुप, Cl- इज ऑल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप, कुछ बहुत ही बुरे लिविंग ग्रुप थे, जैसे कि F- था, जैसे कि OH- था। तो गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे आपने ये वाला देखा तो ये E1CV मैकेनिज्म था, तो चाहे E1CV हो या ARSN2 हो या ARSN1 हो या SN1 हो या E1 हो या E2 हो, व्हाटएवर कोई भी रिएक्शन हो, हमें कहीं ना कहीं गाइस लिविंग ग्रुप की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। अब आता है हमारे पास एक कमाल का चीज, क्या कि भाई साहब ये जो हम देखते हैं, ध्यान से देखना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये क्या होता है गुरुजी, LGA क्या होता है, what is LGA, what is living group ability, it is nothing but the rate of living group by which it departs, मतलब ये जो आपका living group है ये किस rate के साथ departs करता है, मतलब छोड़ के जाता है, ये actually rate को दिखाता है कि कितनी अच्छी से, मतलब समझ लो कि कोई group कितना बेवफा है, कितनी बिना किसी चीज से छोड़ छाड़ के चला गया, उसको मतलब ही नहीं, मतलब बेवफाई जो है किसी ग्रुप की, दैट इज एक्चुअली लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ओके गाइस अब इसके लिए कुछ मैं आपको रिलेशंस बता देता हूं, जिसको आप बहुत ध्यान से देख लेना गाइस, वो रिलेशंस क्या है गाइस समझो। तो गाइस लिविंग ग्रुप एबिलिटी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है, सबसे पहले आपको यह चेक करना है। दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी रिएक्शंस के अंदर Br- डिपार्ट कर रहा है तो आपको इसका कंजुगेट एसिड बना देना HBr और चेक करना ये कितना ज्यादा एसिडिक है। तो जितना ज्यादा उसका कंजुगेट एसिड, कितना ज्यादा एसिडिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस क्या, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तीसरी चीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज एंट्रोपिक फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है, एंट्रोपिक फैक्टर, मतलब अगर कोई ग्रुप निकल रहा है उससे एकाएक एंट्रोपी बढ़ गई, जैसे कि मान लीजिए यहां से आप
N2Cl लेते, वाटर के साथ ट्रीट करते, तो N2 निकल रहा था और HCl गैस भी निकल रहा था। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया कमाल के लिविंग ग्रुप्स बोले जाएंगे। तो एंट्रोपिक फैक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो गाइस क्या क्या हो गया, तीन चीजें आपको चेक करनी है लिविंग ग्रुप एबिलिटी में। पहला चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप, मतलब नेगेटिव चार्ज को कितना स्टेबलाइज कर पाता है। दूसरी चीज गाइस आपको चेक करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ कंजुगेट एसिड का, मतलब एच लगाने के बाद जो एसिड बन रहा है वो कितना एसिडिक है। तीसरी चीज आपको चेक करनी है एंट्रोपिक फैक्टर। मान लीजिए ये से समझ में नहीं आ रहा, आप एंट्रोपिक फैक्टर से तो समझ में आएगा। ओके गाइस अभी रुको, अभी भी नहीं हुआ, जी हाँ अभी भी नहीं हुआ। कुछ कंपैरिजन करके देखते हैं, पहले बेसिक वाले ग्रुप के, नॉर्मल नॉर्मल ग्रुप के। मान लीजिए गाइस हमारे पास है OAC माइनस, हमारे पास है OCS3 माइनस, हमारे पास है BR माइनस, हमारे पास है OPH माइनस, हमारे पास है OH माइनस, हमारे पास है CL माइनस, हमारे पास है I माइनस, हमारे पास है F माइनस। मान लीजिए ये सारे ग्रुप्स हैं और हमें चेक करना है इनके लिविंग ग्रुप एबिलिटी को। आप कुछ भी ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हम स्टेबलाइज कैसे चेक करते, तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लो ना। तो क्या करो गाइस, सबसे पहले क्या करो, आप इनका एसिड बना लो। तो OAC का क्या एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। OCS3 का कौन सा एसिड हो गया, CH3OH। इसका क्या हो गया, HBr। अच्छा आगे का क्या हो गया, PHOH। ओके आगे का क्या हो गया, H2O। अगले का क्या हो गया, HCl। अगले का क्या हो गया, HI। और अगले का क्या हो गया, HF। ओके गाइस अब जरा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, अगर तुम नॉर्मल सी बात करो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर गाइस मैं बात करता हूं HI, HBr, HCl, HF, तो गाइस इसका आपको पता है HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ -9.5 pKa इसका वैल्यू है, HBr का -9 है, HCl का -6 है, HF का 3.2 है, इसके बाद कौन आएगा, एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का 4.8 है, CH3COH का पॉजिटिव में 4.8 है, और कौन आएगा, ACOH हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, HF हो गया, अब कौन बचा, CH3OH के बाद आएगा PHOH, PHOH मतलब फिनॉल, PHOH, PHOH का 9.9 है, 10 के आसपास NCERT में गिवन है, 9.9 एक्चुअल होता है, कई जगह 9.89 भी देते हैं, फिनॉल हो गया। अच्छा अब कौन बच गया, मिथेनॉल और पानी बच गया, तो अगला कौन होगा, CH3OH होगा, CH3OH स्लाइट मोर एसिडिक है, इसके बाद वाटर, इसका 25 डिग्री सी पे कितना होता है 15.54 और इसका कितना होता है 15.74। तो गाइस एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ऐसा है, HI, HBr, HCl, HF, CH3COH, PHOH, CH3OH, NH2। तो गाइस अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता है, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉमन ग्रुप्स के पता होते हैं, तो ऑर्डर क्या निकल आया हमारे पास, आप बताइए, एक नंबर पे कौन आ गया, HI, दो नंबर पे कौन आ गया, BR, तीन नंबर पे कौन आ गया, CL, चार पे कौन आ गया, F, पांच पे कौन आ गया, OAC, छह नंबर पे कौन आ गया, OAC के बाद फिनॉल वाला, ये फिनॉल के बाद कौन आ गया हमारे पास, जल्दी देखो फिनॉल के बाद कौन आया, OCS3 माइनस, सात पे, और लास्ट में कौन आया हमारे पास, OH माइनस, आठ पे। तो गाइस ये बहुत कॉमन है ना, देख लीजिए HF उतना अच्छा एसिड नहीं होता है, फिर भी HF ऑर्गेनिक एसिड से तो बढ़िया ही होता है। तो आपको पता है कि pKa वैल्यू जितना ही कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑटोमेटिकली उतनी ज्यादा होगी, तो हमने आसानी से कंपेयर कर दिया। तो गाइस ये देख लीजिए, ये था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको लिविंग ग्रुप के बारे में पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है तो मेंस लेवल के, नीट लेवल के तो सवाल बढ़ ही जाएंगे। नाउ मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और अब आने वाला है पूरा मजा, मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब गाइस अगर आप जेई मेंस एडवांस नीट बिटसेट ओलंपियाड केवीपी बाय व्हाटएवर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, दिमाग में एक चीज तो हमेशा रहती है, क्या, कि आखिर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है गाइस, मतलब क्यों क्यों क्यों, व्हाई व्हाई व्हाई, बिकॉज कभी हमें SN1 को कंपेयर करना हो गया, कभी E1 को कंपेयर करना हो, या E2 को कंपेयर करना हो, या CB का केस हो, या ARSN2 का केस हो, जरूरत पड़ती है कि भैया लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन है और बुरा लिविंग ग्रुप कौन, भाई साहब इसको कैसे किया जाए। तो मैं एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर आपको बता देता हूं, इस ऑर्डर में आपको सब कुछ तो याद नहीं रखना, लेकिन जो मेन बात है, जिसको हम बोलते हैं मोटा मोटी बात, वो आपको याद रखना होगा। अब वो क्या क्या है गाइस, समझने की जरा कोशिश करें, ध्यान से देखें गाइस। तो मैं सबसे पहले आपको लिख रहा हूं क्या, कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी का क्या ऑर्डर है गाइस, मतलब ये कैसे काम करता है।
तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि कुछ लिविंग ग्रुप बहुत ही पुअर होते हैं, मतलब जो आसानी से छोड़ के नहीं जाते, इसका मतलब यह है कि उनका कंजुगेट एसिड बहुत ही पुअर होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, मान लीजिए OH माइनस। अब OH माइनस इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज H2O बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता है। उसी तरीके से गाइस हम थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास NH2 माइनस बहुत ही बढ़िया नहीं है बिकॉज आपको पता है NH3 एसिडिक नहीं होता है। तो गाइस बहुत सारे ग्रुप बहुत बढ़िया भी होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि ट्रिफलेट आयन को बहुत बढ़िया होता है, टोसाइलेट अच्छा होता है, मिसाइलेट अच्छा होता है। अब ये सब क्या मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आपको लग रहा होगा ये सब क्या है, बट गाइस अगर कुछ अच्छे बुक्स आप बनाएंगे तो आपको ये सब दिखता है। तो गाइस समझते हैं, ध्यान से इस ऑर्डर को देखना, बट डरने की जरूरत नहीं है, इसको कम से कम 5 बार जरूर लिखना, ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? ओके, समझते हैं गाइस। सबसे जबरदस्त लिविंग ग्रुप हमारे पास कौन है गाइस इस पूरे यूनिवर्स का, ये है Rn2 पॉजिटिव। इसके बाद गाइस कौन है, ROR2। इसके बाद गाइस कौन है, ROSO2R। इसके बाद गाइस कौन है, ROTS। इसके बाद गाइस कौन है, ROMS। इसके बाद गाइस कौन है, RI। इसके बाद कौन है, RBR। इसके बाद कौन है, ROH2 पॉजिटिव। फिर कौन है गाइस, RCL। फिर कौन है गाइस, नाइट्राइट RONO2। फिर कौन है गाइस, RSR2 पॉजिटिव। फिर कौन है, RNR3 पॉजिटिव। मुझे तो ये सारी चीजें इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसको कई बार लिखा और ये दिमाग में है, आप इसको भी लिखें आपको भी याद हो जाएगा। RNH3 पॉजिटिव, फिर आता है गाइस RF, इसके बाद आता है RCOR, इसके बाद आता है RCOR, इसके बाद आता है ROAR। गाइस इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा अल्कोहल ना, हाँ इसके बाद आएगा अल्कोहल, इसके बाद आएगा इथर और सबसे लास्ट में अमीन आएगा, यस RNH2। देख लो गाइस ये रहा ओवरऑल ऑर्डर। इसको याद करना और दिमाग में रखना बहुत चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, ये सारी की सारी चीजें हमने अपने हाई स्कूल के टाइम में ही याद की थी, बिकॉज उस टाइम जो हमने याद किया था वो आज तक हमारे दिमाग में है। तो हमारे टीचर्स ने यही लिखाया था, इसमें कुछ कम थे, 5-7 कम थे जो मैंने इसको ज्यादा बढ़ा दिया है आपके लिए, ताकि आपका थोड़ा सा बैंडविड्थ और ज्यादा एक्सपैंड कर सके। देखो गाइस RON2 देख रहे हो, OR2 देख रहे हो, OS2R, ये सब आप देख रहे हो। तो गाइस इसमें से बहुत सारे ऐसे लिविंग ग्रुप हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लिविंग ग्रुप हैं, और कुछ बहुत हैं गाइस ऐसे लिविंग ग्रुप जो बहुत ही पुअर हैं, जैसे ये सब दिख रहे हैं दीज आर नॉट वेरी पावरफुल। अब ये सब दिख रहे हैं दीज आर सुपर लिविंग ग्रुप। तो गाइस अब दिमाग में बात आती है, सुपर क्या है सर, सुपर लिविंग ग्रुप क्या है। अब देखो गाइस अगला, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर लिविंग ग्रुप, समझना गाइस, सुपर लिविंग ग्रुप। सो सुपर लिविंग ग्रुप क्या होती है, जिसमें अमेजिंग टेंडेंसी टू लिव मतलब समझ लो जबरदस्त टाइप का धोखेबाज, मतलब जबरदस्त धोखेबाज जो कभी भी धोखा देके छोड़ के जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता ये किधर लगा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं सबसे कुछ पावरफुल में कौन कौन आते हैं, तो अब हम बात करने जा रहे हैं SLG की। SLG का मतलब सुपर लिविंग ग्रुप। तो गाइस इसके अंदर बहुत सारे हैं, एक नंबर पे आता है N2 पॉजिटिव। गाइस ये इतना कमाल का लिविंग ग्रुप है कि इसको फर्क नहीं पड़ता ये किससे जुड़ा हुआ है। गाइस मेनी टाइम्स आप इसको देखते होंगे कि बेंजीन को भी ये छोड़ के चला जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ARSN1 में तो ये बेंजीन को भी छोड़ के चला जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे जाता है। ये गाइस हाईली अनस्टेबल होता है, फिर भी चूंकि इतना कमाल का लिविंग ग्रुप है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेंजीन को भी किक आउट करके जा सकता है। गाइस इस तरह के ग्रुप्स को बोला जाता है कमाल का लिविंग ग्रुप। अब गाइस यहां से देख लो CH3CH2 और मान लो N2 पॉजिटिव। गाइस आपको पता है अगर यहां से नाइट्रोजन चला जाता है तो बनता है इथाइल कार्बोकेटायन। क्या इथाइल कार्बोकेटायन स्टेबल है? नहीं, फिर भी ये बनता है बिकॉज ऑफ द एक्सेलेंट लिविंग टेंडेंसी ऑफ N2 ग्रुप। सिमिलरली गाइस अगर आपके पास CD3 N2 पॉजिटिव है तो यहां पर भी देखा गया गाइस ट्राइड्यूट्रोमिथाइल कार्बोकेटायन बनाता है और N2 हट जाता है। तो गाइस कहने का क्या मतलब है, कुछ लिविंग ग्रुप बड़े कमाल के होते हैं। तो अब सवाल आ रहा होगा क्या सिर्फ N2 ही है? जी नहीं गाइस, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो गाइस सुपर लिविंग ग्रुप के अंदर कौन कौन आएंगे, सबसे पहले आएगा N2 पॉजिटिव। अगला कौन आ रहा है मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखो गाइस OSO यहां पे लगा दीजिए माइनस, यहां पे लगा दीजिए गाइस कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूं 1 2 3 4
एक दो तीन चार, यहां लगा दो गाइस दो फ्लोरीन, यहां लगा दो गाइस दो फ्लोरीन, यहां लगा दो गाइस दो फ्लोरीन, यहां लगा दो गाइस तीन फ्लोरीन, ठीक है। आप सोच रहे होगे सर आपने ये क्या बना दिया, मैंने नहीं बनाया, ऐसा कुछ होता है। देखो ये क्या है, अब इस ऑक्सीजन को देखो, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब जरा याद करो पिछला वाला स्लाइड, मैंने क्या बोला था आपको कि आपको क्या चेक करना है, जो नेगेटिव चार्ज आया ये कितना स्टेबलाइज हो सकता है। देखो कमाल का रेजोनेंस हो रहा है ना, ये ओ वाला नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो तीनों ऑक्सीजन पे बहुत बढ़िया से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ ही साथ गाइस आपके राइट हैंड साइड में कमाल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जबरदस्त खींचेगा जिससे ये नेगेटिव चार्ज और फिर डिस्पर्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं नोनाफ्लेट्स, दीज आर नोन एज नोनाफ्लेट्स, नोनाफ्लेट्स। तो अगला गाइस हमारे पास होता है ONF, इसको बोलते हैं गाइस ONF, ये कमाल का लिविंग ग्रुप है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रिपलेट से भी बढ़िया होता है। इसके बाद आता है गाइस OTF, जिसको आप अक्सर बुक में देखते हो, तो बच्चों को ये लगता है कि N2 के सीधा बाद OTF है, नहीं, OTF से भी पहले आता है जिसको हम बोलते हैं नोनाफ्लेट्स। जैसे ट्रिपलेट टोसाइलेट्स होते हैं गाइस, वैसे ही होते हैं नोनाफ्लेट्स, दिस इज नोन एज नोनाफ्लेट्स। इसमें एक दो तीन चार कार्बन होते हैं और टोटल मिला के आपके पास नौ फ्लोरीन होते हैं, दो दो चार और दो छह और तीन नौ फ्लोरीन होते हैं। तो ये कमाल का लिविंग ग्रुप है, इसको नोनाफ्लेट्स बोला जाता है। देन है गाइस ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्या है गाइस, बिल्कुल ऐसा ही है, देखो O के ऊपर माइनस, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और CF3, यहां पर भी गाइस कमाल का रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन है और CF3 का कमाल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर है गाइस। तो अगला हमारे पास आता है OTF, OTF के बाद कौन आता है, इसके बाद आता है गाइस हमारे पास ONS, है ना, इसको बोलते हैं नोसाइलेट। अब ये नोसाइलेट क्या है गाइस, ध्यान से देखो, अगर आप कोई भी इंडियन ऑथर की अच्छी बुक पढ़ोगे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो गाइस यहां पे लगा हुआ है नाइट्रो, अब देखो ये यहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है और नाइट्रो का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इधर खींच रहा है। तो अगेन स्टेबलाइज, इसको बोलते हैं नोसाइलेट, इसको बोलते हैं टोसाइलेट, मैं लिख भी देता हूं। इसको क्या बोलते हैं, नोनाफ्लेट्स बोल दिया, ओटीएफ को क्या बोल रहे हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओटीएफ को क्या हमने बोला था, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ये ट्रिफ्लिक एसिड से बना है, ट्रिफ्लिक एसिड से, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, है ना, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। अगला हमारे पास क्या था, ओटीएस, ये टोसिक एसिड से बना है, इसको क्या बोलते हैं गाइस, टोसाइलेट, ठीक है। इसके बाद है ONS, है ना, ONS, हाँ OTS, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, ONS सबसे पहले ना, ONS इसके बाद आएगा कुछ, तो ONS क्या है गाइस हमारे पास, नोसाइलेट। अगला है हमारे पास नोसाइलेट। अच्छा नोसाइलेट के बाद क्या आता है, जरा इसको देखो, अब देखो गाइस OBS आएगा इसके बाद, OBS, OBS क्या होता है गाइस, ये होता है O माइनस, S डबल बॉन्ड O और यहां पे लगा हुआ है गाइस BR, इसको बोलते हैं ब्रोसाइलेट। इसके बाद गाइस कौन आता है, OMS, इसको बोलते हैं मेसाइलेट, ये है गाइस मेसाइलिक एसिड। देखो यहां पे लगा हुआ है CH3 और यहां पे है गाइस C डबल, S डबल बॉन्ड O, O और यहां से सिंगल बॉन्ड माइनस, यहां पे CH3 का थोड़ा सा डोनेटिंग नेचर है इसीलिए पीछे रह गया, ठीक है, ये मेसाइलिक एसिड से बना है, इसको मेसाइलेट बोला जाता है। इसके बाद गाइस कौन आता है, इसके नहीं रे, इसको टोसाइलिक से बना, इसको टोसाइलेट बोलते हैं। इसके बाद आता है OMS, ये है मेसाइलेट, O माइनस, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और CH3, ये बना हुआ है मेसाइलिक एसिड से, इसको बोलते हैं मेसाइलेट, ये बना हुआ है टोसिक एसिड से, इसको बोलते हैं टोसाइलेट। और लास्ट में गाइस हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद अदर लिविंग ग्रुप स्टार्ट होंगे जिसमें ओ एस डबल बॉन्ड ओ वाला लिंकेज नहीं है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब के सब आपके जो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप, कमाल के। मैं फिर से बता रहा हूं, एन टू पॉजिटिव, इसके बाद आपके पास होगा नोनाफ्लेट्स, इसके बाद होगा ट्रिपलेट, इसके बाद होगा नोसाइलेट, फिर होगा ब्रोसाइलेट, इसके बाद होगा टोसाइलेट, इसके बाद होगा मेसाइलेट्स। ओके गाइस ग्रेट। अब गाइस अगर मैं एक रफ कंपैरिजन करके आपको बताऊं, एक रफ कंपैरिजन, तो देखो इसका कैसा रफ एक कंपैरिजन है, समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग। अब गाइस अगर मैं आपको Cl- Br- I- और कुछ ग्रुप लेता हूं, सबसे पहले मैंने लिया Cl-, फिर मैंने लिया Br-, फिर मैंने लिया I-, फिर मैंने लिया OTS, फिर मैंने लिया OTF, ठीक है, जरा इनका रिलेटिव रेट देखो ये किस रेट से छोड़ के जाता है। तो अगर Cl को मैं रेफरेंस मान लू 1, तो ब्रोमीन होता है 14 टाइम फास्टर है, I- 91 टाइम फास्टर है गाइस, OTS 3.7 × 10⁻⁷ टाइम फास्टर है और OTF गाइस आपका 1.4 × 10⁸ टाइम फास्टर है गाइस।
आप देख रहे हो किस तरीके से लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी है. रिलेटिवली मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूं. अब गाइस समझो, अगर गाइस इनके अलावा भी हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जो ट्रिपलेट से भी ज्यादा पावरफुल हो, तो गाइस अगर मान लो कोई लिविंग ग्रुप हमारा OTF से भी ज्यादा पावरफुल हो, अगर हम N2 पॉजिटिव को छोड़ दें तो OTF से भी ज्यादा पावरफुल होता है गाइस, हम उसको बोलते हैं हाइपर लिविंग ग्रुप. हाइपर लिविंग ग्रुप मतलब सबसे टॉप लेवल वाला. एक्चुअली हाइपर लिविंग ग्रुप सिर्फ ट्रिपलेट से ज्यादा नहीं होता, यहां पर एंट्रोपिक फैक्टर डोमिनेंट करते हैं. क्या डोमिनेंट करते हैं? एंट्रोपिक फैक्टर. जैसे इसका एक क्लासिकल, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा हाइपर का बिकॉज एक से ही इनफ है. जैसे इसका एक क्लासिकल केस ये है, IBF4 और R, ठीक है. इसको बोलते हैं एल्काइल फिनाइल आइडोनियम टेट्राफ्लोरो बोरेट. अब गाइस ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये मतलब मैं क्या बताऊं, सुपर लेवल का कंपाउंड है. ये अंदर की तरफ आता है, BF4 यहां से हट जाता है और आयोडो बेंजीन बनता है, और गाइस यहां पे R पॉजिटिव अलग हुआ और गाइस यहां पे BF4 माइनस अलग हुआ. देखो पहले ये एक ही सिस्टम था, बाद में ये तीन अलग अलग सिस्टम में कन्वर्ट हुआ. कितनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ी, 3 गुना ज्यादा एंट्रोपी बढ़ रही है. तो इस तरह का जो ग्रुप्स होता है ना गाइस, इसको बोलते हैं हाइपर लिविंग ग्रुप. मैं एक बार फटाफट आपको बता दूंगा, थोड़ा इंतजार करो. हाइपर लिविंग ग्रुप, तो गाइस हमने क्या देखा, एक ब्रॉड सेंस में ये ऑर्डर था. फिर मैंने आपको गाइस ये बताया सुपर लिविंग ग्रुप क्या होते हैं. इनमें से जो मेन मेन लिविंग ग्रुप है आपको याद रखने, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया, RI हो गया, RBR RCL हो गया, आपके पास RF हो गया, आपके पास RO AR हो गया, ROH हो गया. ये सब जो मेन मेन ग्रुप्स है ना, इनको याद रखना. बाकी मैंने सुपर लिविंग ग्रुप बताया, सबसे पहला था नोनोफ्लेट्स, फिर था ट्रिपलेट, फिर था नोसाइलेट, फिर था ब्रोसाइलेट, फिर था टोसाइलेट और फिर था मिसाइलेट, और लास्ट में आपके पास सुपर लिविंग ग्रुप और एक कंपैरिजन देखने को मिला. तो गाइस ये इतने कमाल के लिविंग ग्रुप क्यों होते हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का जबरदस्त स्टेबलाइजेशन होता है या एंट्रोपिक फैक्टर एकाएक बढ़ रही होती है. तो कैसा लगा गाइस लिविंग ग्रुप के? अब कभी भी सवाल गलत नहीं होंगे. अगर SN1 हो, E1 हो, E2 हो, CB हो, व्हाटएवर कोई मैकेनिज्म हो, ARSN1 ARSN2 आप कर सकते हो. आई होप बहुत मजा आया होगा, कई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और एक बहुत एनर्जी आपके अंदर बढ़ी होगी लिविंग ग्रुप को लेकर. मिलते हैं अगले लेक्चर में. गाइस मैं आपको बता देता हूं, हमारी डिटेल कोर्स अनअकैडमी पर भी चल रही है. अनअकैडमी पे मेरी कोर्स 3 फेब को आने वाली है, जहां पे कोटा के एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं गाइस फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री. मजा आ जाएगा. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं ले रहा हूं, फटाफट आओ जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो यूजिंग आर कोड IITian एक्सप्लेन्स, जहां पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा. बाकी मैं लास्ट में बता ही दूंगा. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे. ओके गाइस, तो जैसा कि आप क्लियर देख पा रहे हैं, यहां पे मैं लाइव पढ़ा रहा हूं टीचिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइव, एज वेल एज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं, और मेरे कई सारे कोर्सेज राइट नाउ अभी चल रहे हैं गाइस. और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 3rd of Feb से भी मेरी कई कोर्सेज आने वाली है, बहुत सारी कोर्सेज आपके पास गाइस नजर आएंगी. अब गाइस यहां पे आप फटाफट देख लीजिए आपको प्लस पे आने के लिए क्या करना होगा गाइस. तो मैं बता देता हूं, अगर आप बहुत ही ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि JEE बहुत ही बढ़िया रैंक के साथ क्लियर की जाए, तो आप प्लस पे जरूर आए. इसको मजाक या लाइटली मत लेना. आप 1 month का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 6,000 पर मंथ में, 3 month का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 month का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बेस्ट होगा, रिकमेंडेड भी है, और मेरे हिसाब से भी 12 month का आप सब्सक्रिप्शन लें मात्र 2,500 पर मंथ. गाइज ये कोटा और किसी कोचिंग के कॉम्पेरिजन में 1/10th part से भी सस्ता है गाइस. तो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जब सब्सक्रिप्शन लें तो कोड यूज करें गाइस IITian एक्सप्लेन्स. इस कोड का यूज करने पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरे पास नोटिफिकेशंस आ जाएगा, जिससे एक पर्सनल केयरिंग वाली जो बात होती है कि ये बच्चा हमारे थ्रू आया वो हमें दिखेंगी. तो गाइस आप जरूर आएं, हमारा कोड यूज करें और बिल्कुल मचाएं, ठीक है ना गाइज. तो 1 month, 3 month, 12 month, 6 month जो ठीक लगे, मैं रिकमेंड करूंगा 12 month का. गाइज हमारी बहुत सारी कोर्सेज हैं जहां पे सुपर टीचर पढ़ा रहे हैं, एकदम बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं. तो गाइज फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है. टेक केयर, बाय बाय.